हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमने आपको बहुत भला बुरा कहा, बहुत गलत समझा। प्लीज प्लीज हमें माफ कर दीजिए दादी, हमें अपनी बेटी समझ के माफ कर दीजिए ना, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ऐसे रोते नहीं हैं पगले, चल चलो ऊपर बैठिए। दादी आप हमसे वादा कीजिए कि आप हम पर गुस्सा नहीं करेगी और अपना आशीर्वाद हमेशा हमारे सर पर बनाए रखें और हमें कभी शाप नहीं देंगी। चल मगली, माँ बाप अपने बच्चों को कभी शाप नहीं देते। जो हुआ भूल जा बच्चे, बस अब चुप हो जा, रोना बंद कर और आंसू पोंछ दे। अरे संतोषी, हमारी दवाई कहाँ रखी है तुमने, मिल नहीं रही। अभी लाए काकी। पता चलेगा तुम्हें। जलने की बू आ रही। कैसे जल गया? अपने आप तो जल नहीं सकता। नहीं। और मैं अंदर नहा रहा था। तो वहां भी जलने का पॉसिबिलिटी तो है। कैसे जल गया? हमारी गलती की वजह से जल गया। पता नहीं आजकल ध्यान कहाँ रहता है हमारा, कोई भी काम ढंग से नहीं करते। आपकी इतनी अच्छी शर्ट हमारी हमारी गलती की वजह से जल गया। चलो गलती हुई ना तो चलो गार्ड बांध लो। अब इस नकली लड़की की सच्चाई हमारे हीरो के सामने आएगी। तो तुम्हें कुछ भी याद नहीं है? सच में तुम्हें कुछ याद नहीं? नहीं। अब आगे से मुझे जब भी लगेगा कि तुम बुद्धू वाली हरकत कर रही हो तो मैं ऐसे तुम्हारे नाक को हिला दूंगा। मैंने तुमसे कहा था कि जब भी तुम कोई गलती करोगी तो ऐसे मैं तुम्हारा नाक पकड़ूंगा और तुम उसे गार्ड बांध लोगी ताकि वो गलती दोबारा ना हो। ऐसा कुछ भी याद नहीं। तो तुम्हें ये भी याद नहीं कि तुम चीता से उठ के घर आ गई थी और उसके बाद तुमने घर वालों को बहुत परेशान किया, तुम माभी को मारने वाली थी। ऐसी बात कर रहे हैं, माभी को मारने की कोशिश क्यों करेंगे? ऐसा कुछ क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, हमें कुछ याद नहीं। ठीक है कोई बात नहीं, तुम टेंशन मत लो, स्ट्रेस मत करो, रिलैक्स। ये देखो, दिख रहा है तुम्हें? डॉक्टर ने तुम्हें इलेक्ट्रिक शॉक दिया था जिसका निशान अभी भी यहां पे। तुम्हें ये भी याद नहीं? नहीं।
हमें नहीं पता ये निशान कैसे आया माता। देखो जरा बहुरिया को, जमाई बाबू के डर से दादी सास के आगे पीछे डोल रही है। अजीत जी, दरोगा की बिटिया भी डरती है। डरती भी है और दोगुली भी है। बिन पेंदी का लोटा। दोनों को धैर्य जी से इतना डर लगता है, ये लीजिए, रख लीजिए अपने बचाव के लिए। नहीं। और भी कुछ बड़बड़ा रही थी ना आप दोनों। बहू रानी, अजय हम तो जी कह रहे थे ना कि हम दोनों भी तो तुम्हारी सास ही हैं। हमें ना सब पता चल गया, आप दोनों ने हमारे गहने चुराए और दादी पे नाम डाल दिया। अब की बार अगर हमारे गहनों पे नजर भी डाली ना तो जेल भिजवा देंगे, वहां अच्छे से आप दोनों की खातिरदारी होगी। कन्या के साथ मड़ैया में बड़ा मजा आए रजैया में। सैया के साथ कुटु जी, बस कीजिए और जाइए यहां से। कहां जाएं हम? हां सब क्या कर रहे हैं? अरे यार बहुत अजीब हो तुम, हम पति नहीं है का तुम्हारे? यार इतनी अच्छी रात है, है चांद अपने पूरे शवाब पर है और तुम नाटक किए जा रही हो। नाटक हम नहीं कर, नाटक आपके घर वाले कर रहे हैं। हमें नहीं रहना आपके घर वालों के साथ, हम यहाँ नहीं रह सकते, हमें आपकी माँ के साथ नहीं रहे। शर्मिली तुम्हारा दिमाग खराब तो ना हो गया है? हमारी तबीयत बिल्कुल ठीक है, ज्यादा दिन इस घर में रहेंगे ना तो जरूर बीमार पड़ेंगे। हमें ऐसे मक्कार लोगों के बीच नहीं रहना। कुटु जी, हम अलग हो जाते हैं। कुटु जी, आप पैसों की चिंता मत कीजिए, हम पापा से बात करेंगे, वो पैसों का इंतजाम कर देंगे, फिर एक बढ़िया सा बिजनेस सेटअप कर देंगे। हाँ पूछिए ना कुटु जी, सिर्फ आप और हम, और हमारे बीच कोई नहीं। फिर आपको हमें ऐसे मनाना भी नहीं पड़ेगा। अगर इतने प्यार से कहेगा तो बाहर क्या, हम तो जहन्नुम भी चले जाएंगे। ये सिंदूरी कौन है? वो ठीक से काम कर रही है बस, और वैसे भी उसके बोलने से वो संतोषी तो नहीं हो जाएगी। वो संतोषी हो या ना, हम उसे संतोषी बना करेंगे। अब इस घर में असली और नकली संतोषी की लड़ाई होगी।